आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव टीवी और मैं हूं एसएम शाकिर। मेरे साथ हैं जनाब फसी बारी खान। तो किस्मत ने ये किया कि मेरा वो जो ड्रामा था जो मैंने सबसे पहले किया था वो तो जी सेंसर में फंस गया, क्योंकि मैं शुरू से एक मेरी एक इमेज रही है, मैंने थिएटर के भी जो प्लेज लिखे वो बोल्ड लिखे, तो मैं अपनी शराइत पे लिखता हूँ, अपनी मर्जी का लिखता हूँ। फिर आतिफ के साथ जो मैंने किया, जो मेरा सीरियल जिसने मुझे बहुत ज़्यादा, जैसे लोग कुद्दूसी साहब को कहते हैं, उस दौर में मैं समझता हूँ मेरे लिए जो अहमियत थी ना वो खाला कुलसुम का कुंडा की थी। हमारे तो मज़र और मेरे जो ड्रामे होते हैं ना वो एक मिसाल है, बड़ी गंदी मिसाल मुझे लगती है कि थूक में पकौड़े तलना। तो हमारे तो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, दूसरों के प्रोजेक्ट्स में बड़े बड़े ग्लैमरस हीरो हीरोइन होते ही होते हैं, हमारे इसमें तो कोई होते ही नहीं है, हमारे इसमें तो होते ही नहीं है ना। तो वो मतलब, और हमें जो कहा जाता है कि जी इसमें पैसा नहीं खर्च करना, इसमें नहीं करना, फिर दूसरे वो जैसे नहीं होते यतीमों के साथ एक इम्तियाजी सलूक किया जाता है, तो हमारे साथ होता है कि जी अचानक मतलब जब आपको कोई बड़ा ड्रामा आपको नहीं मिल रहा होता तो जी आ गया कि जी आप दो, आपके पास एक डेढ़ हफ्ता है, इसके अंदर आप सीरियल खड़ा कर लें अपना। तो दूसरी साहब इस तरह हुआ है, दूसरी साहब को ये नहीं हुआ कि जी उसके प्रॉप्स पे मेहनत हुई है, उसके सेट्स पे मेहनत हुई है, उसके किरदारों पे मेहनत हुई है, वो समझे कि वो मज़र और मेरा जुनून है। हिना एक हैरान कन एक्ट्रेस है, और हिना को मैं कहता हूँ ना, हिना को अपने उस चीज़ का एहसास है ना, जो हमारे इधर के लोग हैं उनको, जो बड़े आसानी से कह देते हैं हिना तो अब एक ही करने लगी है, हिना तो ये हो गए, उनको नहीं पता। मैं अभी भी कहता हूँ मैं हिना के साथ काम नहीं कर रहा कुछ अरसे से, इत्तेफाक ऐसा है, क्योंकि मुझे लगता है हिना को मैं उसी कैरेक्टर में लूँ जो मुझे लगे कि हिना के शायान निशान है। क्योंकि देखिए वो जो कहते हैं ना, शहनशाह दूसरे शहनशाह के साथ शहनशाहों वाला सलूक करता है, आवाम को आपने बेचारों को इतना एहसास कमतरी का मारा बना दिया, तो ऐसी बात है, वो अच्छा फर्नीचर देख के खुश होते हैं, वो अच्छे कपड़े देख के खुश होते हैं, वो सारी चीज़ें देख के आपने उनकी सोच को इतना शैलो कर दिया, लगे यही वो आवाम थी जो एक दौर में इतने अच्छे ड्रामे देखा गए। मैं कहता हूँ IMGC ने जिस फिल्म को लिया उसने उसको तबाह किया, बर्बाद किया, और सब रोते हैं उसके बाद कि भाई अगर IMGC को दिया तो हमने तबाह किया। जीवन आती को लोग कहते हैं, या अक्सर लोग कहते हैं ना कि जी जीवन आती इन्होंने लिखी, वो फिल्म थी, वो फिल्म नहीं थी, वो एक टेली फिल्म थी जो ये जी वालों ने वो की थी। आपको भी पता होगा उस जमाने में जब हालात ख़राब हुए तो उन्होंने लगा दी। डॉन वाले वहाँ जो बैठे हुए थे ना, जो उनकी पूरी टीम थी, वो है मतलब जाहिर सी बात है, वो कहना नहीं चाहिए मुझे, बहुत घटिया वो लगती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जी कोई अपर क्लास का है या कोई जो उस क्लास से बिलोंग करता है वो कोई बहुत ही शैलो होता है कुछ होता है। मैं सारे लोगों को नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा कुछ जो बर्गर्स होते हैं ना, वो कहते नहीं नहीं ओ इट्स सो चीप, इट्स सो ये जो साइकी है ना, या ये जो नफ्सियात है ना, मुझे इससे मैं कहता हूँ ना, मैंने सबसे कमर्शियल काम 7 दिन मोहब्बत इन कर लिया, अब मैं नहीं करूँगा। मैं साहब वाज़े अल्फाज में कह रहा हूँ, मैं इस तरह की फिल्में नहीं करूँगा, मैं वही फिल्में करूँगा जिस तरह के मेरे ड्रामे होते हैं, जिस तरह के मेरे ड्रामों का मिजाज। मुझे याद है अच्छी तरह जब ये गाना था यूँ ही रस्ते में, अली सेठी वाला जो मायरा खान का छत पे इनका था, आप यकीन करें इनके पास कोई बजट नहीं था। ये मीनू जो है ये क्योंकि ये इसने इंडिया में काम किया, इसने असिस्ट किया लोगों को, वो लोग प्रोफेशनल लोग हैं हमें मानना चाहिए, तो वो तो बेचारी सर पकड़ के बैठी, उसने कहा ना कोई बजट, ना इन्होंने कोई कपड़ों का बंदोबस्त किया, वो मायरा शायद साड़ी वाड़ी कहीं से लेके आई कुछ किया, और आप यकीन करें वो कह रही कुछ नहीं था, फिर कह रही मैंने चादरें मंगवाई वाइट के, भाई छत एक मिल गई बस खाली, तो उसमें हमने वो कर दिया। लेकिन अब मैंने ये सोचा कि अब मैं करूँगा, मैं बहुत सोच समझ के करूँगा, सबसे पहले मैं देखूँगा कि प्रोड्यूसर में कितना वो है दम। मैंने वो आधी लिख दी है वो फिल्म, वो मीनू ही कर रही है वो। अच्छा वैसे मीनू और फरजाद की इनकी, क्योंकि इनका वो साथ ये लोग करते हैं फिल्म, लेकिन ये फिल्म मीनू खुद करेंगी, इनकी अपनी वो है, ये की भी कोई अच्छी चीज़ है ना, चाहे मैं तो कहता हूँ ईरानियन सिनेमा आना चाहिए, फलाना आना चाहिए, इटालियन मूवीज़ हैं इतनी अच्छी अच्छी जो आपके इधर आनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ सिनेमा को तो खुला छोड़ दें, जैसे अदब होता है ना, वो खुला होता है, वो बंधा हुआ नहीं होता।